नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं जनता शो। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म थालावी को लेकर फिर से चर्चा में है। इस फिल्म में कंगना रनौत तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व सीएम जयललिता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। हाल ही में फिल्म में एक्ट्रेस का पहला लुक सामने आया और पहला लुक सामने आते ही कुछ लोगों ने तो इस लुक की तारीफ की और कुछ लोगों ने कंगना को जमकर ट्रोल किया। और ये देखकर उनकी बहन रंगोली को फिर से गुस्सा आया और वो ये सुनकर लोगों पर लोटा पानी लेकर चढ़ गई। हाँ जी हाँ, मामला है कुछ दिनों पहले का, जब कंगना रनौत की फिल्म जयललिता का पहला लुक सामने आया। इस लुक के सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। कुछ लोगों का कहना था कि वो छोटा भीम में चुटकी की तरह लग रही हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि इससे अच्छा तो कमल हसन को ले लेते। इसके बाद रंगोली अपनी बहन कंगना का बचाव करती दिखाई दी। उन्होंने एक ट्वीट में ये लिखा कि अगर कोई प्रोस्थेटिक्स के ब्रिलियंस को देख सकता है तो देखे, वरना समोसा गैंग तो है ही जो दिन को रात बता सकती है और रात को दिन, जिसका कोई महत्व नहीं है। बता दे, रंगोली इससे पहले भी अपने इन आक्रामक और तंज भरे ट्वीट से जानी जा रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने तापसी पन्नू को भी कंगना की सस्ती कॉपी बताया था। उसके बाद उन्होंने आलिया भट्ट के खिलाफ भी कई सारे ट्वीट्स किए थे, जिसमें से एक ट्वीट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आलिया भट्ट के बारे में उन्होंने लिखा था कि आज के समय में जब सारी दुनिया आगे आकर बोल रही है, तो उस वक्त आलिया जी कह रही हैं कि मैं तो चुप रहूंगी। इस तरह वो आलिया पर तंज कस रही हैं, जब उनसे ये पूछा गया था कि वो कंगना और रंगोली के बारे में क्या कहेंगी जबकि वो आपके बारे में इतने सारे ट्वीट्स लिख रही हैं, तो आलिया ने उस समय मीडिया में कहा था कि मैं इस पर चुप रहूंगी। कितनी पुरानी सोच है ये, एक ब्रिटिश लड़की से सुनकर ऐसा अजीब लगा। ये रंगोली ने आलिया की ब्रिटिश नागरिकता पर तंज कसा। रंगोली करण जौहर को उनका पापा बताती हैं और कहती हैं अगर आप उनकी किताब से पत्ता लोगे तो वो मेलोड्रामेटिक ही होगा। इस तरह रंगोली कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को अपना निशाना बना चुकी हैं। जब कंगना से इन ट्वीट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, रंगोली मुझसे पूछ कर ही मेरे सहकर्मियों के बारे में सारे ट्वीट करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपके कुछ सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखें और हमें बताएं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो हम फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।